इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। क्रोध कब आता है? जब बोध नष्ट होता है तो क्रोध आता है। अपने से मजबूत आदमी पर क्रोध नहीं आता है। हम लोगों को घर में क्रोध नहीं आता है। शायद आप में से जितने लोग बैठे हैं घर में किसी को क्रोध आता होगा। घर में क्रोध किसी और को आता है। पुरुष को बाहर ही क्रोध आता है। घर में आया तो बस काम है तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि घर में पुरुष से भी जबर कोई रहता है तो उसको क्रोध आता है, इनको नहीं आता है। क्रोध कब आता है? जब हमको अपने बारे में अधिक और सन्मुख के बारे में कम आकलन होता है तो क्रोध आ जाता है। यही बोध की नष्टता है। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना हो। क्रोध ठीक है, लेकिन क्या सुंदर पंक्तियां हैं। नारद जी ने क्यों शाप दिया? भगवान का अपराध क्या है? ज्ञानी है, बोले बाबा ने कितनी अद्भुत बात कही। बोले बहे सतब ज्ञानी मूढ़न को। जब सो तस ते ही चले। इसको कई बार अभ्यास कर। जय ही जब रघुपति जस जब सो तस ते ही मानस अवधि में है। अवधि का जो प्रयोग है वो बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है। कई बार तो चौपाइयों के अर्थ नीचे वाली पंक्ति में आ जाते हैं, आधा ऊपर है आधा नीचे। तो जब तक वो अभ्यास में नहीं आएगा तब तक आनंद नहीं आएगा। अब तोता रटंट में रस नहीं है। देखिए दो एक पंक्ति ऊपर कुछ नीचे कुछ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फल। बिमल यश वरनौ
चार फलदायक धर्म अर्थ काम मोक्ष गाते रहिए, सब सिद्ध होता रहेगा। माँ ने पूछा क्यों, कैसे, इसलिए बाबा ने कहा भगवान मेरे जिसको जब जैसा करना चाहते हैं सो तसते ही छन। न कोई ज्ञानी है न कोई मूड है। कई बार तो हमसे आपसे ऐसी स्थिति बन जाती है, नहीं चाहते हुए भी जिह्वा कुछ ऐसा कह जाती है कि किया किया कराया सब भंटा डार हो जाता है। अब बाद में भाई जीभ तो काटा नहीं जाएगा, बाद में आदमी ऐसा ऐसा करता है, अरे राम राम राम, इसे क्या होना, जो होना तो हो गया। इसलिए ये तराजू तौल के तब मुख बाहेरान, हो गया सो हो गया। सावधान, नारद जी ने भगवान को शाप दिया नहीं, भगवान ने शाप ले लिया। क्यों, भगवान ने स्वयं कहा निज मम इच्छा कह दीन। भगवान ने नारद जी को अवतार का कारण बना लिया। भगवान किसी को निमित्त बना लेते हो, बड़े अद्भुत है। भगवान न जाने किसको निमित्त बना ले, कब बना ले, बस भजते रहिए। पांच पांडवों में भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना लिया। बीरबर बरबरी कहते हैं युद्ध तो केवल भगवान लड़े, मैंने किसी को युद्ध करते नहीं देखा, जिधर देखो चक्र देखा घूम रहा था, दिखाई नहीं किसी को। आप तो प्रयास ये करिए कभी भगवान हमको भी निमित्त बना ले, आय हाय तो हमारा सौभाग्य हो गया, निमित्त बना ले। नारद जी को शिवराम जप करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी, विदा किए। नारद जी ने साफ दिया, अंगीकार किए, स्वीकार किए। एक जन्म का कारण यह, शिव जी के पार्षदों को नारद जी ने शापित किया था, उनको भी गतिमति बधाई। एक जन्म में तो मनु शत्रुपा जी सिट के माता पिता, आदि माता पिता शत्रुपा मैया और मनु जी, इनके तप के प्रताप से भगवान ने अवतार ले लिया। नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक मैया शत्रुपा और मनु जी ने कठोर तप किया है। मैं पुनः एक बार निवेदन करूं, तप कभी रितता नहीं है, तप का फल अवश्य प्राप्त होता है, चाहे अभी मिलेगा, चाहे आगे मिलेगा, अथवा अगली बार में मिलेगा, मिलेगा अवश्य, तप खाली नहीं जाता। जो तपेगा उसको फल अवश्य प्राप्त हो, समय लग सकता है, ऐसा तप से घबराना नहीं चाहिए। हम लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने वाले हैं, अभी नहीं तो आगे मिलेगा, इसमें नहीं अगले में मिलेगा, फल तो मिलेगा भैया, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने का, तो कभी ना कभी तो निकलेगा, वो आएगा। भगवान ने कहा जब आप अयोध्या के राजा रानी दशरथ कौशल्या इस रूप में जन्म लेंगे, हम मनसु सहित आपके पुत्र होके आएंगे। अब आप अमरावती वास करेंगे कुछ दिन बाद, फिर जन्मेंगे, हम लीला करने आएंगे। ये बाबा, अब आगे राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है, ये पांचवा कारण है। कई कई नरेश सत्यकेतु महाराज, उनके दो पुत्र प्रताप भानु अरिमर्दन, इनका महासचिव
धर्म रुचि। जीवन में कभी शास्त्र, श्रुति, पुराण, स्मृति, इनके प्रतिकूल व्यवहार का कोई संकल्प मन में नहीं लाना चाहिए। यदि आया तो वृत्ति आसुरी हो जाएगी। प्रताप भानु ने एक तनु से वर मांगा, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जनि को, एक छत्र रिपु हीन मही राज कल। ये सब असंभव है। शरीर को बचपन मिला, जवानी मिली, तो बुढ़ापा भी आवेगा। जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा, ब्रह्मा जी कहते हैं। जन्मने के साथ मित्रों, माताओं, मान्य जनों, मृत्यु की तिथि भी निश्चित है। शरीर है तो इसमें दुख भी होगा। शरीर व्याधि का घर है। जिसके मित्र हैं उसके शत्रु भी होंगे। जो जीत रहा है वो हारेगा भी। 100 कल्प तक एक राजा हो ऐसा संभव नहीं है। भविष्य और भविष्येतर पुराण में बात एक ही है, कोई भी धरा, कोई भी राज सिंहासन 100 साल में अपना उत्तराधिकार स्वतः परिवर्तित कर लेती है। कलयुग में एक सिंहासन पर कोई अधिकतम 100 साल तक रह सकता है। औसत आयु 100 वर्ष, अब तो 60 हो गई। 8 में खतरा है। जिस धरती पर हम बैठे हैं, 100 साल पहले किसी और के नाम रही होगी, आज किसी और के नाम होगी, 100 साल बाद किसी और के नाम चढ़ेगी। ये बदलता रहता है। लेकिन प्रताप भाग मांगे, क्या मांगे? समरजितय जन को, एक छत्र रिपु हे नमहि राज कल। और माध्यम क्या? तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाए, ब्राह्मण वशीभूत हो जाए हमारे वश में। धरती पर सबको बस में कर सकते हैं आप, ब्राह्मण किसी के बस में नहीं होते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।